दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे निर्माण श्री टाइम के यूट्यूब चैनल पे। और मैं अश्वनी सर, जो आज जो आपको टॉपिक करवाने वाला हूँ वो है क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5th का 9th पार्ट। तो दोस्तों, इससे पहले के जितने भी पार्ट्स हैं वो मैं करवा चुका हूँ, तो आई होप आपने वो देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ इससे पहले के जितने पार्ट्स को जरूर देख लीजिए। उससे क्या होगा, आपके जो ये जो वाला टॉपिक करवा रहा हूँ मैं, ये भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और जो इसके बाद जितने भी टॉपिक होंगे वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, उसके अंदर बहुत सिंपल तरीके से आपको जितने भी फॉर्मूले हैं उनको याद करने के तरीके भी बता रखे हैं, कि अगर आप फॉर्मूले भूल जाते हो तो कैसे आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। तो दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले एक बात, कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो के एंड में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें। इससे आप क्या होगा, आप जल्दी से जल्दी हमारी वीडियो को रिसीव कर पाएंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशन को बेस्ट ऑफ बेस्ट बना पाएंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। तो यहाँ पर वही कह रहा है, क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि ये जो भी जो कुछ भी दे रखा है, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए के मल्टीप्लाई में सीकेंट ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू होना चाहिए 1/10 a प्लस में कोट ए, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या करा, इसको लेफ्ट हैंड साइड माना और इसको राइट हैंड साइड माना, इसको लेफ्ट हैंड साइड माना और इसको राइट हैंड साइड माना। तो दोस्तों, करना क्या है, हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। तो हमने जब लेफ्ट हैंड साइड उठाया तो हमने, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, और इनटू में है सीकेंट ए माइनस कोस ए, हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया। अब हमें करना क्या है, एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूं तो इसके, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें दिखाई दे रहा है कि कोसिकेंट ए जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, और जो यहाँ सीकेंट ए है वो कोस ए का रेसिप्रोकल है। तो क्यों ना, रेसिप्रोकल है तो क्यों ना इनको कुछ ऐसा करें कि सेम सेम सी कुछ वैल्यू आ जाए, एक जैसी वैल्यूज आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोसिकेंट ए को साइन में चेंज करने के लिए हमने करा 1/(sin a) लिख दिया इसको, माइनस में ये साइन ए बच गया, और यहाँ क्या बच गया, सिकेंट ए, तो सिकेंट को भी हमने लिख दिया 1/(cos a), माइनस में लिख दिया कोस ए जो ऑलरेडी पहले से ही था। अब देखिए करना क्या है, यहाँ हमें एलसीएम लेना है इसका, एलसीएम लीजिए तो ये आ गया साइन ए एलसीएम आ गया, और यहाँ साइन एलसीएम आ गया। तो देखिए यहाँ साइन ए है, इसके अपोन में भी साइन ए है, तो यानी कि यहाँ नीचे साइन ए हमने छुपा लिया है थोड़ी देर के लिए, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचा नीचे, तो ऊपर वाला जो वन है वो एज इट इज लिख देंगे। फिर माइनस साइन के अपोन में वन है ना, तो वन है तो मतलब यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वन होगा इनटू में वन, तो एक बार हम वन को छुपा लेते हैं। तो इधर साइन ए बचा है, साइन ए में दिखाई दे रहा है, उस साइन ए की मल्टीप्लाई इस साइन ए से करनी पड़ेगी हमें। तो जब इस साइन ए की मल्टीप्लाई उस साइन ए से करी तो हमारा जो रिजल्ट आया वो आया साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे भी क्या करा, एलसीएम लिया, कोस ए आ गया हमारा एलसीएम, यहाँ पे कोस ए था, यहाँ पे कोस ए गायब करा हमने तो कुछ नहीं मिला हमें यहाँ पे, तो 1/(1) एज इट इज आ गया। माइनस इसके अपोन में 1 था, इसके पोन में भी कहीं मल्टीप्लाई में 1 था, तो 1 को छुपाया तो सिर्फ कोस ए बचा हमारे पास। इस कोस ए की मल्टीप्लाई उस कोस ए से करी तो हमारे पास आया कोस स्क्वायर ए। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब देखिए क्या करना है, 1 - sin² a, हमें पता है 1 - sin² a जो होता है वो बराबर होता है कोस स्क्वायर ए के अपॉन में, ये लिख दिया हमने 1 - sin² a जो होता है वो कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। अगर आप भूल गए हो तो मैं एक बार आपको व्यू दे देता हूँ, ये ही यहाँ दे देते हैं आपको। हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो अगर मैं बात करूँ कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालने के लिए, तो कोस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा, 1 उधर था ही, साइन स्क्वायर ए उधर चला जाएगा, तो माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 - sin² a की वैल्यू, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कोस स्क्वायर इसीलिए रखी है क्योंकि 1 - sin² a की वैल्यू कोस स्क्वायर है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे मुझे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी हो इसी इक्वेशन का यूज़ करते हुए, तो इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए मुझे यहाँ साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अलग तरीके से। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बचेगा हमारे पास, और जो कोस स्क्वायर ए है वो चला जाएगा आपकी बार 1 के पास, तो इक्वल टू में 1 था हमारा, कोस स्क्वायर ए जब उधर गया तो माइनस का कोस स्क्वायर ए हो गया।
तो जब साइन स्क्वायर ए की वैल्यू, खाली साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालने के लिए रखने के लिए बोला जाए तो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रखेंगे, और जब सिर्फ और सिर्फ कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी रख सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही करने वाले हैं। तो अब देखिए करना क्या है हमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए था तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए के, अपोन में क्या बचा, अपोन में साइन ए बचा, फिर यहाँ पे इंटू में, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। ये अपोन में क्या बचा, कॉस ए बचा। तो देखिए दोस्तों जरा ध्यान से कि यहाँ पे साइन ए है ये कट जाएगा इसके स्क्वायर के साथ, ये कॉस ए कट जाएगा इसके स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, ओवरऑल लास्ट में बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए बचेगा और इंटू में साइन ए बचेगा। तो अब यहाँ अगर देखा जाए तो क्या हमें वो रिजल्ट मिल रहा है जो हमें निकालने के लिए बोला गया था, 1 प्लस में टेन ए प्लस में कोट ए नहीं बच रहा। ठीक है, तो जहाँ पे इसको सोल्व करना है तो कैसे करना है, हम क्या करते हैं दोस्तों, इस पूरे के अपोन में 1 है हमें पता है, इस पूरे के अपोन में 1 है कहीं ना कहीं, तो हमने 1 मान लिया एक बार कि इस टोटल के अपोन में 1 है। तो क्या इस 1 को साइन और कोस की फॉर्म में अगर लिखने की बात करी जाए तो कोस ए इंटू साइन ए ऊपर था, तो क्या मैं नीचे इसको ऐसे नहीं लिख सकता, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए 1 जो है वो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए के बराबर ही था। ठीक है, ये अब हम तब कर रहे हैं जब हमें वो रिजल्ट नहीं मिला, अभी हमें टेन की ज़रूरत है और कोट की भी ज़रूरत है रिजल्ट के अनुसार। तो हमने ऐसे करा कोस ए इंटू में साइन ए के अपोन में लिख दिया है साइन स्क्वायर ए और प्लस में कोस स्क्वायर ए। दोस्तों इसके बाद क्या करना है हमें, मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ ताकि वहाँ पे अगर हम करते इसको सॉल्यूशन तो काफ़ी दिक्कत हो जाती, जगह थोड़ी कम थी तो हम यहाँ पर लेकर आ गए हैं। तो हमें करना क्या है, इस को हमें रिजल्ट जो चाहिए, हमें जो रिजल्ट चाहिए वो चाहिए 1 अपॉन, जो रिजल्ट चाहिए था हमें वो हमें चाहिए था, वन अपॉन टेन ए प्लस कोट ए, हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो चाहिए था 1 अपॉन टेन ए प्लस में कोट ए। तो बट यहाँ पे हमें रिजल्ट वो नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले इसके अपॉन में ये करा, उसके बाद क्या करा, ऊपर कोस ए इंटू साइन ए है और नीचे जो है ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए है। दोस्तों दोनों के अपॉन में हमने लिख दिया कोस ए इंटू साइन ए, और इसके अपॉन में भी लिख दिया कोस ए इंटू साइन ए। तो देखिए ऊपर वाला तो कट गया, ये तो दोनों सेम हो गए कट गया, ऊपर क्या बचा, 1 बचा, अपोन में क्या क्या बचा वो देखते हैं। अब यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपोन कोस ए इंटू साइन ए। तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि प्लस है साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए अपोन में कोस ए इंटू साइन ए, ये कोस ए इंटू साइन ए, साइन ए स्क्वायर ए के बटे में अलग से लिख दीजिए और कोस स्क्वायर ए के अपोन में अलग से लिख दीजिए। तो लिखते हैं 1 अपोन साइन स्क्वायर ए के अपोन में कोस स्क्वायर ए इंटू, सॉरी स्क्वायर नहीं है, कोस ए इंटू साइन ए, और प्लस में कोस स्क्वायर ए है इसके अपोन में लिख दीजिए कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर ए है, इस साइन से इसका स्क्वायर गया और यहाँ पे कॉस है, इस कॉस से इसका स्क्वायर गया, तो रिजल्ट क्या बचा, 1 अपॉन, ये तो क्या बचा साइन अपॉन कॉस ए, और प्लस यहाँ पे क्या बचा कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या बचा हमारे पास, ऊपर तो बचा 1 अपॉन में साइन ए अपॉन में कोस क्या होता है टेन ए, प्लस कोस ए अपॉन में साइन क्या होता है कोट ए। तो दोस्तों ये जो निकला हमारा, ये हमारा निकल गया राइट हैंड साइड।
तो क्योंकि हमें यही निकालना था, वन अपॉन में टेन ए प्लस कोट ए, तो हमने निकाल दिया वन पॉन टेन ए प्लस बी कोट ए। तो दोस्तों यही हमारा राइट हैंड साइड निकल गया आंसर। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी इस टॉपिक में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ हमें रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमें कॉल करके, हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके, और अगर आपको व्हाट्सएप करना चाहते हो तो जो हमारा मोबाइल नंबर हमने लिख के दिया है यहाँ पे, वही हमारा जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी सेम है। तो आप हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिए, अगर आपको कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में हम आपको ज़रूर ज़रूर समझाएंगे। तो मिलते हैं नए लेक्चर्स में, आप और हम। थैंक यू।